पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी, कहा रोहित शर्मा फाइनल में शतक लगाएंगे। भारत ने वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। अब उनका सामना ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच में जीतने वाली टीम से होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स ने कीवी टीम के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। सोएब अख्तर ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा है कि वह सेमीफाइनल में नहीं तो क्या वह फाइनल में शतक लगा देंगे। सोएब अख्तर ने भारत की जीत के बाद अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करते दिखे। उन्होंने कहा, भारत ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराया, ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा को मिशेल स्टैनर और ट्रेड वॉल से कोई दिक्कत है। उन्होंने उनकी जमकर धुनाई की। मैं थोड़ा सा उदास इस बात से हूं कि वह अपना शतक पूरा नहीं कर सके। वह इस विश्व कप में कई शतक लगा सकते थे। मुझे लगा था शायद सेमीफाइनल में, लेकिन कोई बात नहीं, वह फाइनल में शतक लगाएंगे। अख्तर ने आगे कहा है, सुमन गिल सेंचुरी पूरी कर सकते थे, लेकिन वह डेंगू से वापस आए हैं। हो सकता है कि वह उनके शरीर को थोड़ा आराम की जरूरत हो, लेकिन घूम फिराकर वह चीज एक ही इंसान विराट कोहली पर आ जाती है। यह देखना काफी दिलचस्प था कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्हीं के आंखों के सामने तोड़ दिया। जिस तरह से उन्होंने सचिन को रिस्पेक्ट किया वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। बता दें कि सेमीफाइनल जीतकर भारत ने अब फाइनल मुकाबले में एंट्री कर ली है। भारत का सामना किस टीम से होगा यह अभी तय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले मुकाबले में जो टीम जीतेगी वह फाइनल मुकाबले में भारत से भिड़ेगी। भारत ने इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं गंवाया, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।